हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ ओवरशूट डे, यानी कि होता क्या है। देखिए, अर्थ जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी भी अर्थ की बायो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा जो ह्यूमन है कंज्यूम कर रहा है, उससे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, बायो कैपेसिटी को, फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम को, फिशेस को, तो उसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। नाउ ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यूके का थिंक टैंक है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, तो इसके हैं एंड्रयू सिम्स। इनका नाम डायरेक्टली पूछा जाएगा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं। तो एंड्रयू सिम्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन है जितना ज़्यादा अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। राइट नाउ 74% WWF क्या कहता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF ये कहता है कि अभी जो ह्यूमन है 74% ज़्यादा जो बायो कैपेसिटी को वो कंज्यूम कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका अगर 1.7 टाइम्स ऑफ अर्थ प्रोडक्शन का, राइट? तो ये सब चीज़ें हमारी अर्थ को बचाने के लिए की जा रही हैं। अब देखिए, ये ओवरशूट डे 2021 है, एंड्रयू सिम्स आपने याद रखना है। अब मैं एक फॉर्मूला जो आपको देता हूँ, जो कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अर्थ ओवरशूट डे का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है। ये है अर्थ बायो कैपेसिटी अपॉन ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इनटू 365, यानी कि एक साल के अंदर कितना कर रहे हैं, इज इक्वल टू अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ बायो कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि अर्थ कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना फॉरेस्ट, फिशेज, इकोसिस्टम, अपॉन ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब ह्यूमन कितना कंज्यूम कर ले रहा है उसका, तो वो अपॉन में जाएगा इनटू 365। अब ये जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं या WWF ने इसकी कैलकुलेशन की, तो ये 1.7 टाइम्स ज़्यादा आया। अर्थ का जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उससे 1.7 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिला। अब इसके कारण जान लेते हैं कुछ, क्यों ये अर्थ ओवरशूट डे जो वो तो किया था यूके के थिंक टैंक ने, एंड्रयू सिम्स ने किया था, बट इसके कारण भी बताया गया WWF के द्वारा। कारण बहुत सिंपल है यार, जो ह्यूमन का कार्बन फुटप्रिंट 2020 तक 6.6% तक बढ़ रहा है, इसका एक ये रीज़न बताया गया। दूसरा है देयर वॉज ऑल्सो 0.5% डिक्रीज इन ग्लोबल फॉरेस्ट्री बायो कैपेसिटी, ये सबसे बड़ी बात है। अमेजोन के रेन फॉरेस्ट पूरे काट दिए गए हैं और इसके बेसिस पर अर्थ ओवरशूट डे तभी इतना ज़्यादा चर्चाओं में है। और UPSC का ये फेवरेट टॉपिक क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए IFS और IAS के एग्ज़ाम दोनों साथ करवाता है, तो इन्वायरमेंट के जो बहुत सारे टॉपिक है UPSC पूछ लेता है। अब क्या 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 ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहे हैं इसके, क्या इंडिया के कोई इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव तो आप सबको बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में पेरिस में हुआ था, राइट? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पर, और पेरिस एग्रीमेंट एक चीज़ याद रखना कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट? और उसके साथ साथ कुछ भारत के इनिशिएटिव भी जान लेते हैं। ये तो ग्लोबल इनिशिएटिव हो गए, चलिए पेरिस क्लाइमेट हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, राइट? अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 भी होने वाली है, ओके? चलिए उसके बाद बात ये करते हैं कि भारत के कौन से इनिशिएटिव हैं, कि भारत में इतना ज़्यादा, अगर भारत भी तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत के इनिशिएटिव बहुत सिंपल हैं, चार इनिशिएटिव हैं, ये आपको हर एक अपने UPSC मेंस आंसर राइटिंग में लिखने हैं। सबसे पहला है NCAP, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स, यानी कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं अब उनका इंजन क्या है, भारत स्टेज 6 है, यानी कि और ज़्यादा जो पेट्रोल है डीजल को रिफाइन करके SO2 का इमिशन कम होगा। उजाला स्कीम है जिसके अंतर्गत सिलेंडर दिए जा रहे हैं महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, राइट? और लास्ट है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ ये पूरा टॉपिक तो आपने देख लिया कि पर्टिकुलर अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इसके बेसिस पर UPSC मेंस क्वेश्चन भी बना सकता है, दूसरा इसके बेसिस पर UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन भी बनेगा एंड्रयू सिम्स से रिलेटेड। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी ऐसे ही करंट अफेयर के डेली टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। आज से हम पर्टिकुलर ये जो भी बना रहे हैं वो मैंने हिंदू एनालिसिस में भी एक्सप्लेन किया था आपको, और 17 अगस्त से हमारी व्लॉगिंग भी शुरू होगी, लाइफस्टाइल बताएंगे, ठीक है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें नई आने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।